मतलब सीना से था कि नहीं सके, जैसे उसके ऊपर कोई भूत आ गया हो। तो गाइस तुमने देखा अभी मैक के साथ प्रैंक चल रहा था और मैक रो गई, शकल दिखा रही, इसकी सूरत देखो, इसीलिए तो बुला रही हूँ। देखो मामू देखा बेचारी रो गई। तो गाइस तुमने देखा अभी मैक के साथ जो ना एक प्रैंक हो गया, मतलब हॉरर प्रैंक था, मतलब उसको काकी ने एक्टिंग करके दिखाया, मतलब जैसे उसके ऊपर कोई भूत नहीं आ गई हो, तो मैक को डरा रहा था, मैक डर रही थी और मतलब उसका आंसू तक निकले आए थे, तुमने देखा भी वीडियो में, तो रोने लग गई थी, तो हमने खूब अच्छे से डराया। ये बैठी है यहाँ पे, मम्मी समझा रही है, मतलब बहुत देर से प्रैंक चल गया। देख जब तू डरती है तो तुझे सब डरांगे, नहीं डरेगी, कोई डरागा ही नहीं। बोला ना अपने साथियों को भेज दो, कोड वर्ड में बात चल रही थी, कोड वर्ड में साथियों को भेज दो, साथी जो होते हैं ना अच्छे संसार वाले, वो समझ रही थी। अच्छा अच्छा, तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वो तो नू कह रही मास्क लगा लो, आई होप आप और आपके परिवार वाले सब आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मौज में होंगे। तो अभी सीन तुमने देखा था, मैंने देखा महक के साथ क्या हुआ, किस तरीके से प्लानिंग हुई, मतलब हम तो नीचे थे, कोई वो नहीं था, मैं तो अपना ऐसे खा रहा था कुछ, तो मम्मी ने फोन कर ऋतिक जल्दी जा, तो मैं एकदम से भाग के आ गया, तो महक रो गई, मतलब सीन ऐसा था खाकी नहीं सके, जैसे उसके ऊपर कोई भूत आ गया। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। कैसा लगा मैं, जैसा लगता है डरने के बाद, कैसा लगता, कैसा लग रहा था, दिल हंस रहा था मुझे, आवाज लगाई जा रही है, पता हो ये मुझे, ऋतिक जल्दी था वीडियो बनाओ, कोयल लगा रही है इसको, मुझसे कह रही थी कि चीनी मुख खड़ा है, मुझे जाने भी नहीं दे रही थी, पैर रखे थे उन्होंने मेरे ऊपर। अच्छा हिलारी मेरे को, तू ऐसे करके हिलारी मेरे को, उठा ले इसको ऊपर, उठा ले इसको ऊपर, डर गया। कुछ बोलना चाह रही हो तो बोल, दम निकल गया, क्या बोलेगी वो।